क्यों लेगा जब वो कसूरवार ही नहीं है, जब उसने कोई उसके खिलाफ कोई आया ही नहीं पुलिस स्टेशन में, उसके खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दी, कोर्ट ने उसको सजाए फांसी या काला पानी की साजिद खान को सजा ही नहीं दी, तुम मेकअप 4 किलो का लगा के साड़ी पहन के मीडिया के सामने जाके दूसरों पे दोष लगाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? चिल्लू भर पानी में डूब के मर नहीं जाते तुम? किसी पे दोष लगाने से पहले 10 बार सोचो। ये मीडिया है, दूध का दूध पानी की पानी कर देगी। अब पुलिस को भी पता चला कि केस में दम ही नहीं है। ये मैडम रोज उठे नींद से उठ के आके कंप्लेंट करती है, कभी मेरे भाई राज कुंद्रा के लिए, कभी मेरे भाई साजिद खान के लिए। क्या है इसको प्रॉब्लम? आप बताओ क्या प्रॉब्लम है इसकी? अभी थोड़ा हम 6 महीने रुको, अभी किसी और रेप का केस लेकर आएगी। अरे बहन, तुम तो अभी साड़ी पहनना अभी सीखी हो ना, तुम्हारा देखो तो सही, तुमने क्या क्या पहनकर प्लेट में खुद लेकर गई हो कि खाओ मुझे, ये गलत बात है ना? पहले खुद तो सुधरो, फिर दूसरों को सुधारने चलो। देखो इन लड़कियों की वजह से ना किसी के साथ सचमुच भी हो जाएगा ना तो दुनिया यकीन नहीं करेगी, ये बहुत गलत बात है। मुझे बहुत उसको रोना इस बात इसलिए नहीं आया, उसको ऐसा लगा आया जो लड़की आप कह रहे हो जिसका नाम ले रहा है, मुझे तो नाम भी नहीं लेना है। ये हर 6 महीने में जाती है किसी पर रेप का केस लगाती है, ये गलत है। साजिद खान एक अच्छे एक्टर है, एक अच्छी बहन फरा खान के भाई है, इस देश के नागरिक है। सिर्फ इस दुनिया में साजिद खान नहीं जिसके हाथों से कभी कोई गलत काम हुआ होगा, बहुत सारे लोग हैं, वो तो खुले घूम रहे हैं। तुम लोग साजिद खान के पीछे इसलिए पड़े हो क्योंकि वो सुपरस्टार बन गया अभी बिग बॉस में। ऐसे ही होता है, बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं ना लेते हैं।